आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में पुष्कर महोत्सव के चलते और अधिक भीड़ होने के कारण छोटे और बड़े वाहनों का लगा प्रतिबंध। नर्मदा नदी में अवैध नाव संचालन पर भी लगा प्रतिबंध। खंडवा ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में आज से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर पुराने बस स्टैंड से जेपी चौक के बीच छोटे बड़े वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को इसके निर्देश दे दिए हैं। अपर कलेक्टर KR बड़ोले ने बताया कि ओंकारेश्वर में 1 तारीख से 12 तारीख तक पुष्कर महोत्सव चल रहा है और उसमें विशेषकर पुष्कर महोत्सव में साउथ इंडिया दक्षिण भारत के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके चलते व्यवस्थाओं को लेकर गाड़ियों को बाहर ही खड़ा करवाया जा रहा है और ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। वहीं अब ओंकारेश्वर के स्थानीय निवासियों को भी आधार कार्ड दिखाना होगा अपने छोटे बड़े वाहनों को नगर में प्रवेश करने के लिए। वहीं दूसरी ओर ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में अवैध नाव संचालन करने वाले नाविकों पर भी नाव जब्त कर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी हादसों पर लगाम लगाने के लिए। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।